बारहवीं शताब्दी, जब उत्तर भारत में इस्लाम धर्म आया, तब से आज तक कुतुब मीनार समय की प्रहरी बनी हुई है। पूरे 400 साल तक लगातार ये मीनार अजान से गूंजती रही। हर एक दिन प्रार्थना के निश्चित समय पर सूर्योदय, दोपहर, दोपहर के बाद सूर्यास्त और सायंकाल। हर शुक्रवार यानी जुमे के दिन इस मीनार की चोटी से जुमे की नमाज का बुलावा जाता था। सारी फिजा में गूंजता हुआ जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का दावतनामा दिल्ली वालों के लिए। सौ साल के बाद मशहूर मारूफ शायर अमीर खुसरो ने जामा मस्जिद की शान में लिखा, ये मस्जिद खुदावंद ताला के रहम व करम से बनी है। यहां की अजान जन्नत में भी चांद की ऊंचाई तक सुनाई देती है। लाल पत्थरों से बनी ये मीनार अनंत कालीन है। दो सौ 38 फुट ऊंची आसमान को छूती हुई इसी के पड़ोस में है जामा मस्जिद, हिंदुस्तान की पहली बड़ी मस्जिद। इसके दरवाजे पर अंकित है इसके निर्माण का समय सन 1192 से सन 1196 ईस्वी मोहम्मद बिन साम की हुकूमत में उनके आला गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा।
इसी मस्जिद के निर्माण से शुरू हुआ हिंदुस्तान में इस्लाम का दौर। इसके खंबे, इसकी मेहराबें देखते ही अपने आप अनंत काल का एहसास होने लगता है। जन्नत के साए में महफूज एक अंतहीन अंतरिक्ष का। दूसरी मस्जिदों से बिल्कुल भिन्न इस मस्जिद में प्राचीन काल में बनाए गए मंदिरों के स्तंभ बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। घंटियों, मालाओं और कीर्तिमुख से सजे सजाए यही है अनोखापन इस मस्जिद का। दो सभ्यताओं, दो शिल्प कलाओं और दो मान्यताओं का संगम। मस्जिद के बिल्कुल पास है एक विचित्र स्तंभ, सम्राट गुप्त द्वारा निर्मित। 5वीं शताब्दी से प्रांगण में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ। 1500 वर्ष बीत चुके, इसकी आबोताब वैसी ही बरकरार है। स्तंभ किस धातु का बना है ये एक रहस्य है। This is our second day in India. So we've been round a lot of the monuments in Delhi. This is probably the oldest, one of the most haunting, one of the more attractive. We've been to the Red Fort as well. And we put our arms around the iron pillar, so we should have lots of good luck. The Qutub Minar is a very important historical monument in our country, and we are proud to have such a monument here. And it's a beautiful picnic spot, and all over foreigners and everybody come to see this, and we are incredibly proud of it. मस्जिद का निर्माण हिंदुस्तान के कारीगरों ने किया। फूल पत्तियों की नक्काशी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मंदिरों और स्तूपों में है। इन्हीं के साथ साथ तराशी गई हैं कुरान की आयतें। मस्जिद इस तरह बनाई गई कि वो दीवार जिसे क़िबला कहते हैं उसी तरफ है जिस तरफ काबा है मक्का में। प्रांगण के पश्चिमी हिस्से को दोनों तरफ से बढ़ाया सुल्तान इल्तमश ने। उनकी कब्र इसी मस्जिद के उत्तर में है। मस्जिद के इर्द गिर्द महत्वपूर्ण निर्माण किया अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में। उन्हीं के नाम पर यह दरवाजा अलाई दरवाजा कहा जाता है और यही दरवाजा अब मस्जिद का मुख्य द्वार है।
ये मीनार, ये मस्जिद और इसके इर्द गिर्द की इमारतें हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। कहीं ये खंडहर न बन जाएं। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी देख रेख में लगा हुआ है। इस मस्जिद में कई सौ साल पहले जो हुजूम आता था दुआ करने के लिए, उसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की मजार के साथ बनी हुई मस्जिद में लेकिन कुतुब मीनार आज भी इकलौती है, बेमिसाल।